रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्तों कैसे हैं सब, उम्मीद है फिट होंगे, खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज एक और ऑनलाइन जो वर्क ट्रेनिंग है उसके रिलेटेड आ गई है वीडियो। ये बना रहा हूँ स्किप ट्रेसिंग के रिलेटेड, क्योंकि यार बहुत लोग मुझे बार बार पूछ रहे होते हैं कि जी हमें सर शीट मिल गई, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसको सेटिंग करने का तरीकाकार क्या है। अब जाहिर सी बात है यार, क्लाइंट आपको हर बार एक ही चीज़ तो प्रोवाइड नहीं करेगा, कि ये लाजमी तो नहीं कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेलिंग एड्रेस, प्रॉपर्टी एड्रेस और ओनर नेम सिर्फ यही प्रोवाइड नहीं करता। वो मुख्तलिफ जगहों से शीट्स निकलवाते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग से निकल आती है या बैच लीड से या कहीं से स्क्रैप करवाते हैं, ज़िलों वगैरह से, उसमें वो और चीज़ें भी ऐड करते हैं, जिसमें लास्ट सेल प्राइस भी हो सकती है, लास्ट सोल्ड प्राइस जो होती है, और लास्ट सेल प्राइस है, लास्ट सेल डेट है, आपके बेडरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इक्विटी वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ऐड हो जाती हैं, तो काफ़ी सारे कॉलम्स बन जाते हैं। तो अक्सर लोग वो वाकई परेशान हो जाते हैं, जो बंदे नए हैं खासकर वो परेशान हो जाते हैं कि उनको किस तरह से जो है मैनेज करना है। तो आज इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ, और फिर से भाई अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि जो मेरी सारी वीडियोस हैं नई वो इंशाल्लाह आप तक जो है वो पहुँचती रहें और आप लोग फ़ायदा उठाते रहो, ठीक है ना। आज इस चीज़ पर बना रहे हैं वीडियो, मैं आपको प्रॉपर जो सेटिंग करके दिखाता हूँ। आज प्रॉप स्ट्रीम की जो एक लिस्ट निकली हुई है उसके ऊपर, प्रॉप स्ट्रीम की लिस्ट निकाल के हम उस पर किस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं जब स्किप ट्रेसिंग करने लगते हैं, तो उसके क्या मेन चीज़ें जो हमें ज़रूरी हमें चाहिए होती हैं, ताकि आप लोग इजीली अपना जो काम कर सकें। चलिए ज़रा स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। जी हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ, और मैं आपको ये अभी दिखाने वाला हूँ। ये मैंने लिस्ट ओपन कर ली है, जैसे आप लोग देखना स्क्रीन के ऊपर कि ये पहले ए कॉलम में है एड्रेस, फिर बी में यूनिट, या उसको कह लें जो यूनिट एड्रेस होता है या एड्रेस लाइन टू अक्सर कहीं पर लिखा हुआ आ जाता है, फिर सिटी स्टेट जिप, देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑनर वन का जो है, फिर आगे है ऑनर टू का जो है, ऑनर टू लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ये चीज़ें आ गई, मेलिंग एड्रेस और बेडरूम बाथरूम प्रॉपर्टी का ये क्या चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, प्रॉपर्टी टाइप डिटेल्स हैं, लॉट साइज़ है, टोटल बिल्डिंग स्क्वायर फुटेज है, यानी कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब आप प्रॉपर्टी से खासकर निकालते हैं, वो फील्ड भी वैसे आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है, कौन कौन सी फील्ड हमें चाहिए होती हैं, उनकी सेटिंग क्या है। लोग कहते हैं स्किप ट्रेसिंग के लिए हमें सेट हुई मिलती थी तो शीट, तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे सेट, ठीक है ना। तो आज मैं उस पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिंपल आपने करना क्या है, एंड पे चले जाएँ, ठीक है, एंड पे जाके आप अपना जो है फ़ोन का नेम दे दें सिंपल कॉलम पे, ठीक है, फिर आप फ़ोन वन या आपने टोटल जितने फ़ोन नंबर ऐड करने हैं, या आपके क्लाइंट का जो क्राइटेरिया है, क्लाइंट ने आपको कहा है कि जी हमें इतने फ़ोन नंबर जो हैं वो चाहिए। अब ये मैंने चार लगा दिए और ये पांच का कर देते हैं फ़ोन फोर, टोटल फाइव हो गए। देन ईमेल, और ईमेल के बाद ईमेल वन, या इसको आप कह लें कि आप ईमेल वन, ईमेल टू, ईमेल थ्री भी लिख सकते हैं, मैं वैसे आपको समझाने के लिए सिर्फ इस तरह से लिख रहा हूँ। अब ये तो आपने सेट कर लिया, कॉलम्स हो गए, ठीक है, यहाँ आपने फ़ोन नंबर्स डालने हैं, यहाँ आपने ईमेल्स डालने हैं, ठीक है, ये सिंपल आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज़ जो है ईजी करने के लिए काम क्या करना होता है, हाइड के ऑप्शन का आपको पता होगा कि इसमें आप कॉलम्स जो हैं हाइड किस तरह से कर सकते हैं, तो तरीक़ेकार क्या है, तरीक़ेकार सिंपल है, बी कॉलम पर जाएँ, हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं होती स्किप ट्रेसिंग के दौरान, हाइड हो गया, वो देखा ना ए और सी आ गया, बी अंदर सेंटर में जो गुम हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो हमें ज़रूरत है, ये जो सेकंड नेम है इसको हम उड़ा देते हैं, यानी कि वैप कर दिया वैसे फ़िलहाल, मेलिंग एड्रेस, जिप कोड, आगे ये सारी चीज़ें हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, इनको हमने पकड़ा, इनको कर दिया हाइड। अब आप ईज़िली जो है अपना कर सकते हैं यहाँ पर जो काम है, यानी कि आप स्किप ट्रेस, आपके सामने सारा डाटा यहाँ मौजूद है, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस की स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी स्टेट से भी, सॉरी ये एक लाइन रह गई थी अंदर सेंटर में, इसको हम उड़ा देते हैं, ये उसका था एड्रेस लाइन टू जो होती है उसका था, ये यूनिट नंबर था, ये वो था, उसको हमने उड़ा दिया साइड पर, और वो उड़ाने के बाद बाकी ये हमारे पास एक क्लीन सी शीट आ गई है, कि आप लोग ईजी समझ सकते हो ईजिली, यहाँ से आपने ये इसको उठाना, कॉपी पेस्ट करके उधर ट्रूपीपल सर्च पर या किसी और वेबसाइट पर जहाँ भी आप कर रहे हैं इसको वहाँ करके, और ये नेम से आपने वेरीफाई करके तो इसको स्किप ट्रेस कर लेना है। तरीकेकार वही होगा स्किप ट्रेसिंग का, कि पहले आप हमेशा मेलिंग एड्रेस ढूंढते हैं, अगर किसी का नहीं मिलता, यानी कि हो जाता है काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो नहीं मिल रहे होते, तो आप उसको जो है नेम सर्च भी कर सकते हैं या प्रॉपर्टी एड्रेस से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मालिक तो वही है ना, मेलिंग एड्रेस भी बेशक उसका और है, लेकिन हो सकता है उसके जो प्रॉपर्टी एड्रेस दिया हुआ है वहाँ से भी उसका डाटा निकल है, उसका ईमेल फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप इसको नेम से भी सर्च करेंगे और दूसरा भी करेंगे जब प्रॉपर स्किप ट्रेसिंग होती है, जो तरीक़ेकार है, लेकिन अक्सर लोग ऐसे नहीं भी करते, लेकिन करना चाहिए, दोनों तीनों मेथड से आप स्किप ट्रेस करेंगे तो आपका डाटा सही निकलेगा, एक्यूरेट निकलेगा, यानी कि एक से नहीं निकला तो आप दूसरा जो मेथड है वो लाजमी यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। एक तो चीज़ आ गई ये, बिल्कुल सिंपल सी आपको मैंने ये बता दिया कि इसको किस तरह से आपने सेट करना है,
और जब आप निकाल लेते हैं, आपने स्किप ट्रेस कर लिया होता है, उसके बाद सिंपल आपने सबको ऐसे पकड़ के यहाँ पे लाना है और यहाँ अनहाइड के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है ताकि डाटा जो है बिल्कुल क्लीन रह जाए, इसका कोई मसला ना बने। ये स्किप ट्रेसिंग के लिए जो शीट बनाने का तरीकाकार था इस पर मैंने आपको आज थोड़ा सा बताया, क्योंकि बहुत दोस्त बार बार ये चीज़ मुझसे पूछ रहे थे कि सर शीट क्लीन कैसे करते हैं, शीट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्लाइंट ने हमें दिए लेकिन हमें वो पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो एक और भी बात है कि अगर आप पहले से कर रहे होते हो यार काम, तो उसके हिसाब से देख लिया करो कि यार पहले शीट किस तरह से बनी हुई थी, हमने उसकी किस तरह बनानी है। या ये आपको क्लाइंट अक्सर कह देता है कि ये अपनी मर्ज़ी से कर लो, तो मर्ज़ी से ये तरीकेकार यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर ये नहीं करता है, वो क्लाइंट कहता है कि जी आप कौन से, वो आपको बता आपसे पूछ लेते हो कितने कॉलम नंबर कहाँ से हम स्टार्ट करें, आपको फ़ोन नंबर कहाँ पे चाहिए, स्टार्ट में चाहिए, एंड में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो आपको बता देता है जी इस कॉलम से इस कॉलम तक मुझे दे दें, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में जो है ऐड करवा दें। ये भी हो सकता है वो आपको कहे नहीं जी आप एच कॉलम से स्टार्ट करें, तो सिंपल यहाँ पर आपने इंसर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, कॉलम ऐड होते जाते हैं, ये एक दो, ठीक है, ऐसे ज़्यादा भी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, ये हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये कॉलम्स ऐड हो गए, यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग दे देंगे, हेडिंग देने के बाद आप अपना जो है काम स्टार्ट कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है यार, शीट क्लीन करने का कोई मसला नहीं, फॉर्मेटिंग सेट करने का, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया वीडियो, तो इंशाल्लाह दोस्तों को उम्मीद है फ़ायदा होगा या फॉलोअर्स को। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।